दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जीएस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही खास सीरीज को लेकर चल रहे हैं। आज का हमारा पार्ट होगा पार्ट नंबर 27। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पर इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको पढ़ाए जाते हैं उनके बारे में आपको टेस्ट देने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार टेस्ट दे के आप अपने आप को जरूर परखिएगा कि आपको जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं वो चीजें आपको याद हुई हैं या नहीं याद हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और आज पार्ट नंबर 27 में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैं लेके आया हूं आपके लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज आपको देखने के लिए मिल जाए। ये देखिए, करण का क्वेश्चन है कि ट्राई ने कॉल ना उठाने की स्थिति में मोबाइल फोन कॉल रिंग का समय सीमा बदल करके तय कर दिया है। कितनी समय सीमा तय कर दी गई है, पहले की कहानी बताता हूं। स्टार्टिंग में दोस्तों यह समय सीमा लगभग 40 से 45 सेकंड हुआ करती थी। मतलब जब किसी आपको बेल आप किसी को बेल किया करते थे, फोन किया करते थे, उस समय ये जो रिंग होती थी कितने समय के लिए बजती थी, 40 से 45 सेकंड तक बजती थी। ठीक है, लेकिन बाद में कंपनियों ने इस समय सीमा को घटा करके कितना कर लिया, 25 सेकंड कर लिया था। कितना, 25 सेकंड कर लिया था। और जियो ने तो और भी ज़्यादा कम कर लिया था, केवल 20 सेकंड की समय सीमा बना रखी थी। लेकिन जब टेलीकॉम कंपनियों के बीच में इसका विवाद शुरू हुआ तो आगे चल के ट्राई ने इसका रास्ता निकाला और ट्राई ने फिक्स कर दिया है 30 सेकंड। तो याद रखिएगा, अब अगर आप किसी को बेल करेंगे तो आपकी जो घंटी है कितने देर तक बजेगी, 30 सेकंड तक बजेगी। ठीक है, वहीं अगर आप लैंडलाइन नंबर पर कॉल करते हो तो यह समय सीमा रखी गई है 60 सेकेंड। ठीक है, 60 सेकेंड। आप इस दोनों प्रश्नों को याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है और इसलिए कभी एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों आप हमें केवल इतने बारे में नहीं बताएंगे, इसके बारे में भी बताइए, और भी बहुत सारे प्रश्न यहां से बनते हैं। देखिए, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र यदि माना जाए तो माना जाता है पश्चिमी घाट को। किसको मानते हैं, पश्चिमी घाट आपका सही उत्तर हो जाता है। क्यों, जैव विविधता माने होता क्या, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर पेड़ पौधों की, पादपों की, जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां वास निवास करती हो। ठीक है, उनको जैव विविधता का धनी क्षेत्र माना जाता है। और भारत में इस तरह के कई क्षेत्र हैं, जैसे पश्चिमी घाट हो गया, जैसे उत्तर पूर्वी हिमालय का क्षेत्र हो गया, उत्तर पूर्वी हिमालय याद रखेगा उसका जो क्षेत्र है वो भी जैव विविधता के लिए धनी क्षेत्र माना जाता है। सुंदरबन हो गया दोस्तों, उसको भी जैव विविधता का धनी क्षेत्र माना जाता है। तो इन चीजों को आप याद रखेगा। एक चीज और याद रखेगा, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। काफी बार आपसे परीक्षा में पूछा, बड़ा कंफ्यूजन होता है। 22 मई कब मनाया जाता है दोस्तों, 22 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। याद रहेगा, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, कैसे याद रखेंगे, वी दो बार लिखा है तो दो बार आप भी लिखे, दो तो याद रखिएगा 22 मई, कंफ्यूज मत होइएगा, 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। ठीक है, आगे देखिए, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, मतलब कितना वन होना चाहिए किसी राज्य या किसी देश में। अगर आप चाहते हैं पर्यावरण अनुकूल बना रहे उसके लिए कितना वन होना चाहिए, दोस्तों एक जो औसत रखा गया है वो रखा गया 1/3। कितना, 1/3 कम से कम वन होना चाहिए। और 1/3 का मतलब क्या हो गया, 33%। कितना हो गया, 33%। ठीक है, इसको याद रखिए। लेकिन बहुत कम ही राज्य हैं जो इस एवरेज को पार किए हों, क्योंकि राज्यों में क्या है, 20%, 21%, 25% ऐसे ही रहता है। तो ध्यान रखिए, इसके लिए एक औसत जो परसेंटेज है वो क्या है, 1/3 है, यानी 33% है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, कौन सा संघीय लक्षण नहीं है, इस तरह के प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। संघीय लक्षण आप देखकर ही बता दोगे। देखो, कह रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। दोस्तों कनाडा के संविधान से यही तो लिया गया था और हमारे देश में यह चीज है, राज्यों और केंद्र के बीच में पावर का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा है कि कितना काम राज्य करेगा, कितना काम केंद्र करेगा। सबका अपना अपना नियंत्रण है, अपना अपना परिक्षेत्र क्षेत्र है। ठीक है, तो याद रखे पहला सही है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का संविधान है और यह पूरी तरीके से लिखित संविधान है, यह भी सही है। तीसरा है एकहरी न्यायपालिका। क्या न्यायपालिका एक है, नहीं, एकहरी न्यायपालिका नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है लेकिन एकहरी नहीं है। क्यों, क्योंकि अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोग न्याय देने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो याद रखिए, एकहरी न्यायपालिका बोल करके यहाँ गलत कर दिया तो यही पर हो जाएगा, यही वाला उत्तर हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है संविधान का कौन सा संघीय लक्षण नहीं है, संघीय लक्षण नहीं है। तो याद रखिए, एकहरी न्यायपालिका, ये
संघीय लक्षणों की श्रेणी में नहीं आता है। आगे देखें, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई, बताइए पहली राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी कब? दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको लॉन्च किया था जून 30 जून, याद रखिएगा 30 जून 2008 को यह लागू किया गया था। कब? 30 जून 2008 को। इसके अंतर्गत दोस्तों बहुत काम किए गए थे, जैसे कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पे बात किया गया, यानी जो पर्यावरण के लिए अच्छे अच्छे चीज हो सकते हैं हर वो कदम उठाने के प्रयास यहां पर किए गए थे। तो याद रखिएगा भारतीय जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना ये 2008 में आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि जब यह प्रश्न आएगा तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। देखिए होता क्या है, परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर लगभग सभी को पता होता है, अगर उसका उत्तर आप भी दे लेते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन प्रश्नों का उत्तर अन्य बच्चे ना दे पाए आप दे लो, जान लो आप वहीं पे बेस्ट हो, आप वहीं पर बेस्ट हो। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि लोगों से बेहतर बनने के लिए अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ताकि जो लोग ना कर पाए तभी तो आप मेरिट में उनसे आगे हो पाएंगे, अदरवाइज कैसे होंगे आप बताओ, समझ में आ रहा है? आगे देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था किसने लेकर आया था? दोस्तों 1956 में एक कमेटी बनी थी पंचायती राज व्यवस्था के लिए, 1957 में उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, 1958 में इस पूरी समिति की रिपोर्ट को लागू कर दिया गया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे बलवंत राय मेहता। कौन कर रहे थे? बलवंत राय मेहता, याद रखेगा बीआर मेहता, बलवंत राय मेहता समिति, ये आप याद रखेगा, इनको भारत में, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है। दोस्तों बहुत डिटेल में मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ाया है, भरोसा नहीं तो आप जा करके पॉलिटी में ये वीडियो देख सकते हैं, या पंचायती राज व्यवस्था स्टडी 91 अगर लिख देंगे तो आपको देखने के लिए वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है, तो बलवंत राय मेहता याद रखेगा। एक प्रश्न यहां पर और याद रखेगा दोस्तों, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की थी, जिसमें ग्राम, खंड और जिला की बात किया था, किसकी? ग्राम, खंड और जिला, तो इन दोनों बातों को आप याद रखेगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? हर बच्चा जानता है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हैं, भीमराव अंबेडकर। कुल मिला के 7 लोग थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी में जो कि ड्राफ्ट कर रहे थे, मतलब संविधान को लिखने का कार्य कर रहे थे। एन गोपालास्वामी, ये भी उसके पूरा नाम है एन गोपालास्वामी अयंगर, याद रखिए, ये भी उसके सदस्य थे। के एम मुंशी, ये भी सदस्य थे। एन माधव राव, यह भी सदस्य थे। बी एल मित्रा का स्थान इन्होंने लिया था, एग्जाम में पूछता है। शुरुआत में यह ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे, इनके जगह पर कौन था? बी एल मित्रा थे। कौन? बी एल मित्रा थे, लेकिन बी एल मित्रा कुछ समय बाद हट गए, तो उनका स्थान लिया था एन माधव राव ने, एन माधव राव ने, ठीक है। बाकी भीमराव अंबेडकर के बारे में आप जानते ही हो, तो एक एक प्रश्नों पर आप अपनी पकड़ बनाइए और अच्छे से पढ़ते चलिए। आगे देखिए, 3 प्रकार के राशन कार्ड में अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड में सर्वाधिक गरीब लोगों के लिए कौन सा कार्ड माना जाता है? जो सबसे गरीब होते हैं उनके लिए कौन सा कार्ड माना जाता है, स्टेप बताना आपको। तो याद रखेगा दोस्तों, सबसे गरीब लोगों के लिए कार्ड होता है अंत्योदय कार्ड, जिसको AAY भी बोलते हैं, ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना के तहत यह कार्ड आया था, अंत्योदय कार्ड, यह सबसे गरीब लोगों के पास होता है, ठीक है। दूसरा है BPL कार्ड, क्या होता है BPL, बिलो पावर्टी लाइन, बिलो मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए किसका कार्ड होता है? BPL कार्ड होता है, ठीक है। और APL कार्ड इससे ऊपर होता है, देखिए APL कार्ड क्या होता है, ये BPL से ऊपर वाली श्रेणी के लिए होता है, ठीक है, APL कार्ड। तो याद रखेगा अंत्योदय कार्ड, BPL कार्ड और APL कार्ड, ठीक है, सबका सिक्वेंस आप याद रखेगा, और सबसे गरीब लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड बना हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, अवमूल्यन कार्ड क्या? अवमूल्यन, यह चैप्टर आपको बहुत तरीके से पढ़ाया गया है, ना भरोसा हो तो आप अवमूल्यन के आगे स्टडी 91 लिख करके YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। अवमूल्यन का अर्थ क्या है? इकोनॉमिक्स में है, इसमें मैंने आपको बताया था कि जब कोई देश किसी दूसरे देश के सापेक्ष में अपने मुद्रा के मूल्य में कटौती कर लेता है, कमी कर लेता है, तो उसको क्या बोला जाता है? अवमूल्यन कहा जाता है। और ऐसा कोई देश क्यों करता है? दूसरे देशों को आकर्षित करने के लिए करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, दूसरे देशों के लिए आकर्षित। तो यहां पर दे रहा है घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा, नहीं, नई मुद्रा नहीं लाई जाती है, चल पूंजी से कोई मतलब नहीं है, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम कर लेना, दोस्तों यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसको अवमूल्यन कहते हैं, या रुपए का डीवैल्यूएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डीवैल्यूएशन, अवमूल्यन हो गया, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सबसे ज्यादा ज्वलनशील माना जाता है? सबसे ज्यादा ज्वलनशील क्या है? पेट्रोल को माना जाता है, ठीक है, और आपको इतना तो पता ही होगा, ठीक है, इसको याद रखेगा।
अति ज्वलनशील की श्रेणी में इसको रखा जाता है। अभी तो आसान क्वेश्चन लग रहा है ना, आगे के 15 क्वेश्चन बहुत टिपिकल हैं। ध्यान से देखिएगा, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? जब यह प्रश्न आता है बहुत सारे लोग इसको गलत कर देते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम, पहले तो याद रखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, एक प्रश्न बनता है जल में घुलनशील विटामिन, तो याद रखिए बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। कहां पर होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। और के ई डी ए कीड़ा, कीड़ा याद रखिए ये वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील, दोनों याद रखेंगे। एक तो ये हो गया, दूसरा ये दोस्तों कि विटामिन बी का पूरा परिवार होता है, इसलिए विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसके साथ बहुत सारे होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, ठीक है, इस तरह से होता है। तो उसमें विटामिन B2 को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको बोला जाता है राइबोफ्लेविन। क्या बोला जाता है? राइबोफ्लेविन, याद रहेगा, राइबोफ्लेविन कहा जाता है, इसको याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेटिनॉल विटामिन ए को, ठीक है, थायमिन विटामिन बी को, स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोला जाता है राइबोफ्लेविन, याद रखेगा। राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 की कमी से आंखों का लाल होना, त्वचा का फटना, ये उसकी निशानियां होती है, ठीक है, पहचान होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बताऊं तो बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है ईंट पर नाच, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, ठीक है, ईंट पर नाच। यहां से तीन उत्तर निकल कर आता है, देखिए ईंट पर नाच, ठीक है, ई माने होता है इलेक्ट्रॉन, टी माने, टा माने होता है टॉमसन, यानी जे टॉमसन ने किसकी खोज किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। प माने होता है प्रोटॉन, आर माने होता है रदरफोर्ड, ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। न माने होता है न्यूट्रॉन, च माने होता है चैडविक। इसके साथ एक लोग का नाम और आता है गोल्डस्टीन का, उसका भी नाम याद रखिएगा, उनका भी, तो यहां याद हो जाएगा आपको चैडविक हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने किया, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है? ऐसे ही इत्मीनान से पढ़ते चलिए, जीएस प्रैक्टिस आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पढ़ते चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वाशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, वास्तव में या वाशिंग सोडा जो घर पे हम लोग सर्फेक्सल इस्तेमाल करते हैं ना, वाशिंग सोडा, एक्चुअली में वाशिंग सोडा होता क्या है, ठीक है, बताइए, सोडियम कार्बोनेट होता है या बाई कार्बोनेट होता है? दोस्तों इसी में कंफ्यूजन आपको होता है, दोस्तों बाई मत लगाइए, बाई मत लगाइए, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। कैसे होता है? इसका फार्मूला याद रखेगा, Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होता है, बाई कार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट होता है। कौन सा सोडा? ये जो वॉशिंग सोडा होता है कपड़े धुलने वाला, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। करेक्ट, 2G स्पेक्ट्रम में G का मतलब क्या है? 2G, 3G, 4G, 5G, इसमें G क्या होता है? G माने जेनरेशन होता है, फिफ्थ जेनरेशन, फोर्थ जेनरेशन, सेकंड जेनरेशन, फर्स्ट जेनरेशन, ठीक है, तो G माने क्या हो जाएगा? जेनरेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है, बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है? ये जो बाजार है, जो मार्केट है, ये किस ओर रुझान पैदा करती है? कह रहा है व्यक्ति की ओर रुझान पैदा करती है, उपभोक्तावाद की ओर रुझान पैदा करती है, समष्टिवाद की ओर या पूंजीवाद की ओर? तो बाजार किस लिए होता है? बाजार कंज्यूमर से बनता है। बाजार कैसे बनता है? जहां कंज्यूमर नहीं होगा क्या वहां बाजार का निर्माण हो पाएगा? नहीं। याद रखिए, उपभोक्ताओं के रुझान पर, उनके रुचि पर, उनके टेस्ट पर ही क्या होता है? बाजार का निर्माण होता है। और उनके जब उनकी संख्या बढ़ती है तो बाजार की संख्या भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो यहां सही उत्तर क्या हो जाए? उपभोक्तावाद की ओर, ठीक है। तो किस ओर रुझान पैदा करती है? उपभोक्तावाद की ओर। आप बात करिए क्वेश्चन से, आप बताओ ना बाजार का निर्माण कैसे? बिना कस्टमर के बाजार बन जाएगा क्या? नहीं। जहां कस्टमर ज्यादा होंगे बाजार उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी, सिंपल सी बात है। तो ये इसी पे डिपेंड होता है। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? दक्कन में पूछ रहा है, अपने उत्तर भारत में दक्कन के क्षेत्र में पूछ रहा है कि कौन सी पद्धतियां चल रही थी। दोस्तों ये MBPSC में परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और लोक सेवा आयोग पे काफी टिप्पणियां भी हुई थी कि प्रश्न गलत पूछा गया है। क्यों? क्योंकि बच्चों का डिमांड कुछ और था, लोक सेवा आयोग ने उत्तर कुछ अलग दिया था, बट उत्तर सही था अपने जगह। याद रखिए, अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर के समय में टोडरमल का नाम सुना होगा, ठीक है, टोडरमल ने भू राजस्व की नई नई पद्धतियों को विकसित किया था, लेकिन वह पद्धतियां आगरा के कुछ ही क्षेत्रों में लागू की गई थी, बाद में उनका विस्तार होता गया, और भी बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग पद्धतियां चल रही थी, जैसे कनकूट हो गया, जप्ती प्रणाली हो गया, हल्की
संख्या हो गया, गल्ला बक्सी हो गया, ये सब चल रहा था। लेकिन दक्कन के क्षेत्र में स्पेशली जो राजस्व वसूली होती थी वो हलों की संख्या के आधार पर की जाती थी। किसके आधार पर? हलों की संख्या के आधार पर यह राजस्व वसूली या भू राजस्व वसूली का काम होता था। तो हल की संख्या याद रखेगा, स्पेशली दक्कन परिक्षेत्र में। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यह प्रश्न रिपीटेड है, आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। बताइए, कह रहा है कि संबलपुर से कौन संबंधित थे? संबलपुर इससे सुरनशाही है, बिल्कुल सही है। गंजाम उड़ीसा, राधा कृष्ण दंडसेना, यह भी सही है। कश्मीर से गुलाब सिंह राजा थे, वो भी सही है। लखनऊ से लियाकत अली, यह गलत दिया दोस्तों, लखनऊ से लियाकत अली का संबंध नहीं था, उनके पत्नी का संबंध लखनऊ से था लेकिन इनका संबंध नहीं था। लियाकत अली जो कि भारत के पहले वित्त मंत्री थे अंग्रेजों के समय में, ठीक है, याद रखेगा, अंतरिम सरकार बनी थी बाद में, या विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री बने थे पाकिस्तान के पहले, ठीक है। और 1951 में रावलपिंडी में दोस्तों इनकी हत्या भी कर दी गई थी, ठीक है। हालांकि पता नहीं चल पाया कि किस वजह से और किसने इनकी हत्या किया था, तो याद रखेगा लियाकत अली 1951 में इनकी हत्या हो गई थी रावलपिंडी पाकिस्तान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे पूछ रहा है सुरक्षा के लिए, देखिए दोस्तों दो चीजें होती थी सुरक्षा की, अगर हम बात करें, अगर हम जनता की सुरक्षा के लिए बात करें दोस्तों, तो उसके लिए होता था सरदेशमुखी। क्या होता था? बहुत कंफ्यूजन होता लोगों को, क्योंकि ये दो ही होते थे जो मराठों के, मराठों से संबंधित क्या थे, तथ्य थे, एक सरदेशमुखी, एक चौथ। दोस्तों चौथ उपज का कुछ हिस्सा जो है लिया जाता था मराठों के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिए उपज का कुछ हिस्सा लिया जाता था, वो होता था चौथ, ठीक है। तो ये लगभग ये चौथाई होता था, इस वजह से इसको चौथ बोलते थे। सरदेशमुखी ये रक्षा करने के लिए ले आता है कि हम आपकी रक्षा कर रहे हैं तो राजा का भी खर्च बचा होगा, तो उसलिए सरदेशमुखी होता था। तो यहां सही उत्तर सरदेशमुखी हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, यह मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। चकला मैंने आपको पढ़ाया था, चकला शब्द जो है यह किससे संबंधित है? मैंने बताया था सूबा और परगना के बीच का क्षेत्र बनता है, ठीक है। सूबा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से याद दिला रहा हूं, पहले भी पढ़ा चुका हूं और उसमें बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप भूल जाओगे, आप भूलो ना, इसीलिए इस तरह के प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई को क्या कहा जाता था? याद रखिए चकला कहा जाता था, लेकिन यह सरकार के समानार्थी नहीं होता था, सरकार के समानार्थी नहीं होता था, इसका आप ध्यान रखिएगा। अगला दे रहा है पलामू और लोहरदगा, लोहरदगा, ठीक है, लोहरदगा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों पहली बात तो याद रखिए कहां पड़ता है ये, तो ये झारखंड का एक जिला है, पलामू भी अपने आप में जिला है और लोहरदगा भी जिला है, और लोहरदगा विश्व प्रसिद्ध स्थान है, विश्व प्रसिद्ध स्थान है। किस चीज में भाई विश्व प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा यहां पर बॉक्साइट बहुत ज्यादा होती है, बॉक्साइट की कई सारे परतें यहां पर हैं, 15-16 परतें पाई जाती है, तो याद रखिए बहुत फेमस है, ठीक है, लोहरदगा झारखंड, ठीक है। इसके अलावा पलामू भी किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, आपको पता होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा? सबसे ज्यादा चावल कहां पर उत्पादित किया जाता है? बताइए, सबसे ज्यादा चावल पश्चिम बंगाल में, मच्छी भात वैसे ही फेमस है, तो चावल सबसे ज्यादा कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। अच्छा, गेहूं उत्पादन में पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। अच्छा, प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में पहला स्थान किसका है? बताइए, प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में पंजाब का, प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में पहला स्थान पंजाब का, और खाली गेहूं उत्पादन में पूछे तो उत्तर प्रदेश का, और चावल में पूछे पहला स्थान तो किसका? याद रखे पश्चिम बंगाल का। ये सब प्रश्न याद रखेगा। तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है? तोलकप्पियम, तोलकप्पियम की रचना दोस्तों तोलकप्पियर नाम के कवि ने किया था, ठीक है, जो कि अगस्त ऋषि के 12 शिष्यों में से एक थे। याद रखिए अगस्त ऋषि के शिष्य थे, अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे, ठीक है। नाम क्या था? तोलकप्पियर, तोलकप्पियर, कप्पियर, कप्पियर, ठीक है, और ग्रंथ का नाम है तोलकप्पियम। तो तोलकप्पियर ने तोलकप्पियम की रचना की, जो कि एक व्याकरण की किताब है, ठीक है, व्याकरण और काव्य से संबंधित यह व्याकरण है, तो इसको याद रखेगा, तोलकप्पियर ने इसकी रचना किया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दक्षिण भारत से बिलोंग करता है,
तृतीय संगम हुआ था। तृतीय संगम कहां हुआ था ये जगह आपको बताना है। दोस्तों संगम काल का नाम सुना होगा, संगम काल में दोस्तों चेर, चोल और पांडव, ठीक है, पांडे, ठीक है, इन तीन राजवंशों का बड़ा उल्लेख मिलता है। और तीन, खास करके तीन संगम हुए थे, प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। तो याद रखिए प्रथम और तृतीय ये दोनों संगम कहां पे हुआ था, ये मदुरई में हुआ था, ठीक है, मदुरई में हुआ था। और इस संगम, संगम माने क्या होता था, संगम माने एक ऐसा संगठन, एक ऐसा मेला लगता था जहां उस समय के सभी व्याकरण के आचार्य, कवि, लेखक सब लोग जुड़ते थे और एक जगह जो है संगम लगता था, ठीक है। मदुरई याद रखिएगा, मदुरई, मदुरई में दोस्तों मीनाक्षी टेम्पल है, बहुत फेमस है, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर आपसे पूछता है, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया या मदुरई किसकी राजधानी थी, तो पांड्य वंश के शासकों की राजधानी थी मदुरई, याद रहेगा आपको, याद रखिएगा, तमिलनाडु में। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करता है, दोस्तों नदी पथ परिवर्तन के कारण ही बाढ़ आता है, ठीक है, कहां पर, बिहार में, कोसी नदी है बिहार में और नदी पथ परिवर्तन के लिए जानी जाती है और इसकी वजह से वहां बहुत बाढ़ आता है, ठीक है। तो कोसी नदी जो कि बिहार का शोक भी कही जाती है। आगे देखिए दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, दक्कन ट्रैप आपको पता होगा और ज्योग्राफी में इस ट्रैप के बारे में मैं चर्चा भी किया हूं, करा इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुआ है, बिल्कुल सही है, इसकी रचना दरारी और केंद्रीय उद्भेदन, केंद्रीय उद्भेदन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको पता होगा दक्कन ट्रैप जो है दो प्लेटों के बीच दरारी उद्भेदन से इसका निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल में कोई मतलब नहीं है, इसकी रचना बेसाल्टिक चट्टान नहीं है, तो पहला वाला उत्तर ही सही हो जाएगा, दक्कन ट्रैप याद रखे, काली मिट्टी वाला क्षेत्र बना यहां पर और ये दरारी उद्भेदन से इसका निर्माण हुआ है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो कहां से गुजरती है, अगर ये पता चल जाए तो कभी भी इस प्रश्न में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि क कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिएगा, क ऐसे लिखते हैं ना, बस इसको ले जाके सटा दीजिए, तो आप अगर इसको उल्टा कर देंगे तो कुछ आठ जैसा दिखेगा, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है याद रखेगा आठ राज्यों से गुजरती, कितनी, आठ राज्यों से गुजरती कर्क रेखा, कहां कहां से, गुजरात शुरू होता है, गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान का इससे टच होता है, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ, याद रखिए आठ राज्यों से गुजरती है, तो राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा सही है, उड़ीसा गलत है दोस्तों, यहां पर उड़ीसा गलत हो जाएगा, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत के दो राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, एक त्रिपुरा, एक मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। वात का चक्र शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, वात का चक्र शांत क्षेत्र, इसको चक्षु बोलते हैं, नयन बोलते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नीलम मशहूर किस्म है, नीलम दोस्तों यह आम की एक किस्म है, जैसे जर्दालू पूछ लेता है कभी कभी, जर्दालू आम को तो जीआई टैग भी मिला है बिहार से, ठीक है, उसी तरह से याद रखें नीलम भी आम की यह प्रजाति है, आम्रपाली, नीलम, ठीक है, बहुत सारी प्रजातियां आम में है, ठीक है। अल्फांसो नाम सुना होगा, दशहरी, लंगड़ा, ठीक है, ये सब तो चौसा वौसा तो सुना ही होगा, ये सब तो आम प्रजातियां हैं, लेकिन जो अलग से आपको बताया जा रहा है नीलम, दोस्तों नीलम प्रजाति ये गोवा में ज्यादातर पाई जाती है, गोवा, ठीक है, और 12 महीने वहां मिलती है, तो आम की प्रजाति है नीलम। मूली कहलाती है, मूली क्या है दोस्तों, मूली को आप क्या कहेंगे, कह रहा है कंद कहें, सल्क कंद कहें, भुट्टा कहें या रूपांतरित जड़ कहें, दोस्तों मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर ये सब किस में आ जाते हैं, ये रूपांतरित जड़ की श्रेणी में आते हैं, जड़, जड़ों का ही रूपांतरण हो गया है। जड़ क्या होता है, जड़ तो नॉर्मली ऐसे होते नहीं है, आप सोचो ना, जड़ तो कभी ऐसा होता नहीं है, जड़ कैसा होता, पतला पतला, मुसला जड़, झकड़ा जड़, अलग अलग होते हैं, लेकिन यहां जड़ों में ही ऐसा हो गया है कि फूल जाते हैं जड़, तो इनको रूपांतरित जड़ कहा जाता है, ठीक है, और ये खाने योग्य अवस्था में आ जाते हैं, तो रूपांतरित जड़ है। अधिकतम विटामिन सी मिलता है, सबसे ज्यादा विटामिन सी कहां से मिलता है बताइए, विटामिन सी जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, बताइए सबसे ज्यादा विटामिन सी कहां से मिलता है, आंवले से मिलता है, आंवला ही एक ऐसा फल है जिसमें ऐसा विटामिन सी मिलता है कि चाहे उसको कितना भी गर्म कर दो समाप्त नहीं होता, नहीं तो कहीं भी विटामिन सी रहेगा थोड़ा भी गर्म करेंगे विटामिन सी समाप्त हो जाता है, लेकिन यहां पर विटामिन सी कभी खत्म नहीं होता चाहे कितना भी टेम्परेचर लगा लो, ठीक है। तो आंवला, इस अपवाद को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आज के 30
प्रश्न पूरे होते हैं। हम लोग डेली 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला चलाते हैं और आज आपकी 27वीं सीरीज गई है। ठीक है, आप इस सीरीज से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा मिलेगा और आगे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके हित के लिए कर रहा हूं। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज यहां दिए जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ाया गया। आप हमारे यूट्यूब से जुड़ करके उसके प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट पर आकर के वहां से आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।